Hello everyone, today in this video we will study the first chapter of first standard, and the name of the chapter is In the Heart of a Seed. Have you ever wondered where all the plants and trees come from? Students, isme likha hua hai ki kya aapne kabhi bhi aisa socha hai ki ye plants and trees kahan se aate hain? इन द पोएम, इस पोएम में, इन द हार्ट ऑफ अ सीड, इन द हार्ट ऑफ अ सीड, ये जो पोएम है, इस पोएम में हम लोग जानेंगे. द पोएम एक्सप्लेन्स टू अस हाउ अ प्लांट इज बॉर्न. इस पोएम में पोएट ने हमें एक्सप्लेन किया है ना, हमें बताया है कि एक प्लांट किस तरीके से अस्तित्व में आता है, किस तरीके से उसका जन्म होता है. इन दिस पोएम द पोएट टेल्स अस हाउ द सनशाइन, रेन एंड विंड नर्चर द लाइफ हिडन इन द डेप्थ ऑफ अ सीड. एक बीज के अंदर एक पूरा का पूरा प्लांट छुपा हुआ रहता है, तो किस प्रकार सनशाइन, रेन एंड विंड उसको नर्चर करता है, उसकी परवरिश करता है और उसे बढ़ाता है. ठीक है स्टूडेंट्स, लेट्स रीड द पोएम टू फाइंड आउट हाउ. तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग पोएम को पढ़ेंगे और ये पता करेंगे कि किस प्रकार सनशाइन, विंड और एयर हेल्प करते हैं एक सीड को ग्रो करने में, एक सीड से वो किस तरीके से वो प्लांट बनते हैं. तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल रीड दिस पोएम फॉर यू एंड देन आई विल टेल यू द मीनिंग ऑफ दिस पोएम. इन द हार्ट ऑफ अ सीड, buried deep so deep, a dear little plant lay fast asleep. Wakes it the sunshine and creep to the light. Wakes it the voice of the raindrops bright. The little plant heard and it rose to see what the wonderful outside world might be. Students, first paragraph mein hai, in the heart of a seed buried deep so deep, a dear little plant lay fast asleep. Ek nanha sa beej hota hai na, उस नन्हे से बीज में एक प्लांट सोया हुआ रहता है, बहुत ही गहराई में, उस सीड के दिल के बहुत ही गहराई में एक नन्हा सा प्लांट सोया हुआ रहता है. वेक्स इट द सनशाइन, उसको कौन जगाता है? सनशाइन कहता है कि तुम जागो. एंड क्रीप टू द लाइट, और प्रकाश, जिधर प्रकाश दिख रहा है, लाइट दिख रहा है, उधर की ओर बढ़ो. वेक्स इट द वॉइस ऑफ द रेन ड्रॉप्स ब्राइट, बारिश की बूंदें कहती है कि तुम जागो. उस बीज, उस सीड के अंदर जो एक पेड़, जो एक एक प्लांट, जो नन्हा सा छोटा सा जो प्लांट सोया हुआ रहता है, उसे रेन ड्रॉप्स एंड सनशाइन दोनों कहते हैं कि तुम जागो. द लिटिल प्लांट हर्ड, जब ये दोनों कहते हैं तो वो लिटिल प्लांट सुनता है. एंड इट रोज टू सी, और वो उठता है, जागता है और बढ़ता है देखने के लिए. What the wonderful, कितना सुंदर है world, outside world might be, कितना सुंदर और बेहतरीन outside जो world है वो उसे देखने के लिए जागता है और बाहर निकलता है. इस poem के poetress है केट ब्राउन. के students, कुछ word zoomers हैं. buried means something put or laying hidden deep inside the ground. The next one is बरीड का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो ज़मीन के अंदर बहुत ही गहराई में दबा हुआ है. डियर मीन्स होता है लव्ड, मतलब प्यारा. क्रीप मतलब मूव वेरी स्लो, धीरे धीरे बढ़ना. रोज, यहाँ पे राइज मतलब उदय होता है, उसी का पास्ट टेंस है ये रोज. रोज मतलब होता है खड़ा होना. सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ फॉर दिस वीडियो. थैंक यू.